दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और इसी हल्दी को और एक बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, टॉन्सिलाइटिस। ये बच्चों की जो बीमारी है ना टॉन्सिल, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस बेस्ट मेडिसिन है ये टॉन्सिलाइटिस की। टॉन्सिलाइटिस में भी अक्सर क्या होता है, जब भी बच्चे को होगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, इमीडिएट कहेगा ऑपरेशन करा दो, काट के निकाल दो। एक ही मिनट लगता है उसको ये कहने में कि ऑपरेशन करा दो, काट के निकाल दो। ऐसे समझता है जैसे ये फालतू दे दिया भगवान ने। एक आजकल के एक तो डॉक्टर माताओं को बोलते हैं कि अपना गर्भाशय काट के निकलवा दो, और एक ये दूसरा टॉन्सिलाइटिस के लिए बोलते हैं। ये दोनों ही अगर आपने निकलवा दिए तो फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। एक बार बच्चे का टॉन्सिलाइटिस का आपने ऑपरेशन करा दिया और कट के निकल गया, फिर जिंदगी भर उसको ना कोई दवा काम आएगी, उसको उस तकलीफ के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। इसलिए ये गलती कभी मत करिए अपने बच्चों के साथ। हाँ मैं बता रहा हूं, तो टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इसी हल्दी को इस्तेमाल करिए। बस तरीका उसका इतना ही है कि टॉन्सिलाइटिस अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है, माने बहुत पुराना हो गया है, तो हल्दी को सीधा इस्तेमाल करना है, ना दूध में ना पानी में, सीधे हल्दी इस्तेमाल करनी है। कैसे, चम्मच में हल्दी भर लिया और मुंह जितना खुल सकता है उसमें अंदर ले जाके चम्मच छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, फिर लार के साथ मिलके ये अंदर उतरिए। एक हफ्ते में 3 दिन भी आपने कर दिया तो चौथे दिन से उस बच्चे के टॉन्सिल हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इतना इफेक्टिव। आधा चम्मच अगर टॉन्सिलाइटिस क्रोनिक है तो, बच्चे एक्यूट है माने हाल फिलहाल में हुआ है 15-20 दिन, महीना दो महीना, तो आप उसी तरह से दूध में लीजिए इसको या पानी में लीजिए। बच्चे दूध से ज्यादा हल्दी पानी है जी, मतलब बिना मिठे दूध के पीने में मिश्री पाई जाए या की पाई, मिश्री दे दीजिए चल जाएगा। सीधी हल्दी नहीं, पानी नहीं पीना है, वो लार के साथ अंदर जाएगा, पानी उनको घंटे भर तक नहीं देना। और इसमें थोड़ा एक और दूसरी बीमारी इसी से जुड़ी, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में खराश हो गई और गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, गला बैठ गया है, तकलीफ ऐसी है, पानी भी पीने में तकलीफ हो रही है, आपकी लार निकलने में भी तकलीफ हो रही है, इस तरह का इन्फेक्शन है, आवाज भारी हो गई है, ये सब के लिए यही हल्दी इस्तेमाल करना है, दूध में घी के साथ। हल्दी, दूध और घी, घी माने गाय का, हल्दी, दूध और घी। एक गिलास दूध रहेगा, चौथाई चम्मच हल्दी रहेगी, एक चम्मच घी रहेगा, ये तीनों को मिक्स करके बॉईल करना है। बॉईल करके खूब गरम गरम चाय की तरह से पी, शाम को ही काफी है। एक बार है जी, फिर से रिपीट करता हूं, एक गिलास दूध, चौथाई चम्मच हल्दी, एक चम्मच घी, घी माने गाय का। इसको एक दूसरे में मिला के खूब बॉईल करिए और इतना गर्म हो चाय जैसा, और चुस्कियां लेके पीना सिप करके। नहीं नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छा भला भी पी सकता है, बस मात्रा हल्दी की थोड़ी कम कर दीजिए। शुगर डालना है इसमें, शुगर है जी, शुगर माने चीनी, मैं चीनी को तो विदा कर दीजिए, थोड़ा गुड़ ले लिया तो चलेगा, चीनी तो छोड़ ही दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।